हेलो फ्रेंड्स, ये जो आप सुंदर सी ट्रे देख रहे हैं ये मैंने घर पर ही वेस्ट मटेरियल से बनाई है। मेरे घर में ऐसा वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ था जिसे आप अक्सर बाहर कूड़ेदान में फेंक देते हैं या बेच देते हैं, पर यकीन मानिए दोस्तों, मैंने ये ट्रे बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से ही बनाई है। मेरे घर में ये एक प्लास्टिक का मिठाई का डिब्बा पड़ा हुआ था। अक्सर हमारे घरों में ऐसे प्लास्टिक के मिठाई के डिब्बे त्योहारों पे आते ही रहते हैं। इसके ढक्कन को भी हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिब्बे के अंदर दोनों साइड निशान लगाकर उसमें होल्स बना लेंगे। ये एक शॉपिंग बैग के हैंडल हैं जो मेरे पास पड़े हुए थे, इन हैंडल्स में भी मैंने होल्स कर लिए हैं। मेरे पास ये छोटे छोटे नट बोल्ट पड़े हुए थे, इनको मैंने इन होल्स में लगाकर हैंडल्स को अटैच कर दिया है। हैंडल्स डिब्बे के साथ मजबूती से जुड़ जाएं। देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है, एकदम ट्रे जैसी और मजबूत भी बन गई है। ये एमसील है, इसका यूज मैंने जो नट बोल्ट लगाए थे ना, उन नट बोल्ट्स को कवर करने के लिए मैंने इसका यूज किया है, क्योंकि ये काफी मजबूत होती है और उस पर कुछ लाइंस भी ड्रॉ कर दी है। जिससे इसका लुक थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। अब मैंने इसके ढक्कन पर प्राइमर का एक कोट कर लिया है। आप चाहें तो जैसो का भी यूज कर सकते हैं और आप स्पॉन्ज से भी इस पर कलरिंग कर सकते हैं, इससे इसका टेक्सचर अच्छा आएगा। अब मैंने इस पर ब्लैक पेंट कर दिया है, आप चाहें तो कोई भी कलर कर सकते हैं। कलर आप ऑयल पेंट ले सकते हैं या एक्रेलिक भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इस पर छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए हैं, आप चाहें तो इस पर कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर एक्रेलिक कलर और ऑयल पेंट दोनों ही आसानी से हो जाते हैं और उनसे पैटर्न ड्रॉ भी आसानी से हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने इसके चारों ओर छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद मैंने इस पर वार्निश का एक कोट अप्लाई कर दिया है। जी, हमारी ढक्कन वाली मजबूत ट्रे बनकर तैयार हो गई है। इसके अंदर मैंने कोई कलर नहीं किया है, आप चाहें तो कोई भी कलर इसके अंदर कर सकते हैं। मुझे ये ऐसे ही अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने इसके अंदर कलर नहीं किया है।
इसके अंदर प्लास्टिक मैट का छोटा सा कलरफुल टुकड़ा रखकर इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप पानी से भरे हुए गिलास रख सकते हैं। आप इसके अंदर चाय के कप भी रख सकते हैं, यह बहुत ही मजबूत है। और इसमें आप अपने लिए अपना खाने का सामान भी ढककर रख सकते हैं और मेहमानों को चाय पानी भी सर्व कर सकते हैं। मेरी ये ट्रे आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में अवश्य बताइएगा और ऐसे ही आइडियाज पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।